नमस्कार, आजिरो विशेष खबर को स्वागत करुची मु नम्रता। ट्याप्रु मिलिबो शुद्ध पानीय जल। आज्ञा हाँ, विकसित सहर लॉस एंजेलस सिंगापुर परी आम राज्य रे सबु सहर रे एही ट्याप व्यवस्था उपलब्ध हब। एही ट्याप द्वारा शुद्ध पानीय जल देशर प्रथम राज्य भाव रे ओडिसा रे ओ प्रथम सहर भाव रे पुरी रे ड्रिंक फ्रॉम ट्याप योजना आरंभ होईछि। एथिपाय राज्य सरकार व्यापक व्यवस्था ग्रहण करिबा सह प्रथम पर्याय रे आसंता 9 मास मध्यरे पुरी सहर रे प्राय 2.5 लाख लोकंकु 24 घंटा सुद्धा पानीय जल जोगाई देबाकु लक्ष्य रखिछंती। एही योजना द्वारा पुरी सहर को आसुतबा वार्षिक 2 कोटी पर्यटक लाभवान होई पारबे। द्वितीयतः एही योजना पुरी सहर को प्लास्टिक बर्ज्यरु मध्य मुक्ति प्रदान करिबो। आकलन अनुसारे वार्षिक प्राय 400 मेट्रिक टन प्लास्टिक आवर्जना रो मुक्त हेब पुरी सहर। मुख्यमंत्री योजना उद्घाटन करिबा परे सारा विश्वरु राज्य सरकार को प्रशंसार सुअ छुटुची। राज्यवासी ट्याप रे 24 घंटिया शुद्ध जल को पाई परिबे। ड्रिंक फ्रॉम ट्याप योजना विषय रे आजिर विशेष उपस्थापना सुजल 24/7। पुरी रे ट्याप खुलिले शुद्ध जल। आज्ञा हाँ, आपण ठीक सुनिछंते। लंडन, लॉस एंजेलस और सिंगापुर नुहे श्री जगन्नाथंक पीठ पुरी रे मध्य एही सुविधा उपलब्ध हेबाकु जाउछि। सारा देश रे कोनोसी सहर रे एपरी व्यवस्था नथिबा बेले प्रथम सहर भावरे पुरी रे आरंभ होईछि जुगांतकारी जल मिशन योजना ड्रिंक फ्रॉम ट्याप सुजल मिशन। अद्भुतपूर्व ड्रिंक फ्रॉम ट्याप मिशन रे प्रथम पर्याय रे आसंता 9 मास मध्य रे प्राय 2.5 लाख लोकंकु 24 घंटा सुद्ध पानीय जल जोगाई दिया जिवो। ए योजना द्वारा पुरी सहर को आसुतबा वार्षिक 2 कोटी पर्यटक लाभवान होई पारिबे। द्वितीयतः एही योजना पुरी सहर को प्लास्टिक बर्ज्यरु मध्य मुक्ति प्रदान करिवो। आकलन अनुसारे वार्षिक प्राय 400 मेट्रिक टन प्लास्टिक आवर्जनारु मुक्त हेबो पुरी सहर। विकासर नुआ अध्याय शोष मेंटाइब सुजल मिशन। 24 घंटिया शुद्ध ट्याप जल जोगाण श्रीक्षेत्र रे ड्रिंक फ्रॉम ट्याप मिशन। सारा भारत रे प्रथम सहर पुरी रु सुजल योजनार शुभारंभ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ए योजनार शुभारंभ करिछंती। प्रथम पर्याय रे भारतर प्रथम सहर भावे श्रीक्षेत्र पुरी सहर रु ही आरंभ करा जायछि सुजल मिशन। शुद्धतार भरोसा देवा सहित राज्य सरकार ट्याप जोगे 24 घंटा पुरीवासी को प्रथम थर पे शुद्ध पानीय जल जोगाई देवा पे नुआ मिशन आरंभ करिछंती। सारा देश रे पूर्वरु एपरी योजना कार्यकारी होइनथिबा बेले राज्य सरकार कर जुगांतकारी पदक्षेप जोगु विश्वव्यापी मिलुछि प्रशंसा। 2024 सुधा पुरी सहरर प्रत्येक परिवार को ट्याप जोगे पानीय जल जोगाई देवा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। ए योजना को कार्यकारी हेबा परे पुरीवासी को शुद्ध पानी पई फिल्टर लगाइबा आवश्यकता पड़िबो नाही। ट्याप रो सीधा सड़क शुद्ध पानीय जल पाई परिबे लोके। शुद्ध पानी जोगाण ने विकसित सहर लंडन, लॉस एंजेलस ओ सिंगापुर सहर तालिका रे एणिकी जोड़ी होई जायछि पुरी सहर। योजना परे एणिकी सांस्कृतिक नगर पुरी को आसुथिबा देशी ओ विदेशी पर्यटकंकु आउ पानी बोतल धरी बुलिबाकु पड़िबो नाही। सहरर प्रत्येकटि प्रांतर रे ट्याप जोगे मिलि पारिबो शुद्ध पानीय जल। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ए योजना रे उपकृत हेबे सहरर विभिन्न बस्ती रे बास करथुबा प्राय 66,000 बासिंदा। राज्य सरकार पुरी को विश्वस्तरीय सहर रे परिणत करिबा पई नेथिबा संकल्पर एहा हेउछि प्रथम पदक्षेप। अभूतपूर्व ड्रिंक फ्रॉम ट्याप मिशन रे प्रथम पर्याय रे आसंता 9 मास मध्ये रे प्राय 2.5 लाख लोकंकु 24 घंटिया शुद्ध पानीय जल जोगाइबो।
ए योजना द्वारा पूरी सहर को आसुथिबा वार्षिक 2 कोटी पर्यटक लाभवान मध्य होई परिबे। द्वितीयत ए योजना पूरी सहर को प्लास्टिक बर्ज्यवस्तु मध्य मुक्ति प्रदान करिबो। आकलन अनुसार वार्षिक प्राय 400 मेट्रिक टन प्लास्टिक आवर्जनार मुक्त हेबो पूरी सहर। राज्य सरकार 5G योजना अंतर्गत एक प्रकल्प में 16 सहर में 40 लक्ष लोकंकु शुद्ध पानीय जल जोगाई देबाकु लक्ष्य रखाई। आसंता 2024 मसीहा सुधा राज्यर सबु सहर में उपलब्ध हो पारिबो शुद्ध पानीय जल। पुरी सहररु वार्षिक प्राय 400 मेट्रिक टन प्लास्टिक आवर्जना बाहर थला। एको दृष्टि रखी राज्य सरकार देशर प्रथम सहर भावे पुरी रे आरंभ करिसंती ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। एही योजना रे पुरी वासी होंतु कि पर्यटक माने होंतु समस्ते सीधा सड़क टैप रु पाई परिवे विशुद्ध जल, जहाद्वारा कि प्लास्टिक आवर्जना रोकिया पाई एही प्रकल्प विशेष सहायक होई परिवो। पुरी कैमरा पर्सन चित्तरंजन संजय महापात्र जी मीडिया। एणिकी पूरीवासी पाइबे 24 घंटा स्वच्छ जल, केवल प्रति घरे नुहे श्रीक्षेत्रर सबु स्थान रे विशुद्ध जल मिलिबो। लंडन सिंगापुर भली एमिती पानीय जल व्यवस्था पुरी रे हेबा पई जाउची। विश्वस्तरीय एही प्रकल्प को आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकार्पित करिछन्ते। श्रृंखलित रथयात्रा पई पुरीवासी को धन्यवाद देवा सह मुख्यमंत्री कहिछन्ते ओडिसा विकास रे सोमवार गोटे नुआ ओ बड़ अध्याय सृष्टि होईछे। पुरी सहरवासी आउ घरे रखिबाकु पड़िबो नाही पानी फिल्टर, ट्याप खोलिबा मात्र के एणिकी मिलिबो स्वच्छ पानीय जल। एभळे एक प्रकल्प सारा देश रे प्रथम, एहाकु आजि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकार्पित करिछन्ति। आउ ए व्यवस्था सहित पुरी सहर लंडन लॉस एंजेलस सिंगापुर भली विकसित सहरांचल तालिकारे सामिल करा जायछि। तेणु पर्यटकंकु आउ पूर्वपरि पानी बोतल धरि बुलिबाकु पड़िबो नाही। एथिपेई सहरर प्रत्येक स्थानरे पानी ट्याप्र मध्य व्यवस्था करा जायछि। प्रकल्प लोकार्पण अवसररे मुख्यमंत्री मिशन शक्तिर मामानकु धन्यवाद दे ओडिसा विकासरे आउ गोटी नुआ अध्याय सृष्टि हेला बोली कहिछन्ति। टूरिस्ट आसुति से मानक मध्यरे आउ वाटर बॉटल धरी बुलिबा पड़िबो नाही। बड़ दंड सहित सर चार सेक्टर 400 जगह वाटर फाउंटेन मध्य कराई। पुरी को विश्वस्तरीय सहर बनेबा दिगरे नवीन देखिथिबा स्वप्न मध्यरु गोटिए पूरण होईछि। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन द्वारा पुरी सहर प्राय 2.5 लाख बासिंदा उपकृत हेबे। सेथिपई 24 घंटिया टैप पानी सुविधा द्वारा वार्षिक 2 कोटी पर्यटक मध्य लाभवान हेबे। एहा छडा ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन जोगु पुरी रे वार्षिक 400 मेट्रिक टन प्लास्टिक बर्ज्यवस्तु ह्रास पाइबो। ए योजनार सफलता पे मिशन शक्तिर मा माने जलसाथी होइथिबारु सेमानक मध्यरे उत्साह बढ़िछि। तेबे आगामी दिनरे 40 लक्ष बासिंदांक पई राज्यर आहुरी 16टी सहररे कार्यकारी हेबाको जाउछि ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। पूरी सहर को आमे 5G कार्यक्रम जरिया रे आमे ड्रिंक फ्रॉम टैप कार्यक्रम को आमे लोकार्पित करिछु। माननीय मुख्यमंत्री एथिपई समस्त प्रेरणा आमको जोगाई देथिले ड्रिंक फ्रॉम टैप कार्यक्रम को पूरी सहर पई करियाकु। आज एक कार्यक्रम जरिया रे पूरी सहर प्राय 2,50,000 अधिवासी माने यार सुविधा पाइबे। समग्र भारत वर्ष रे प्रथम जोटा कि माननीय मुख्यमंत्री जो कार्यक्रम नहीं चंती एवं जो परि भाव रे 9 मास निर्दिष्ट समय सीमा भितर कार्य सारी चंती या अत्यंत प्रशंसनीय। विभाग समस्त अधिकारी मानको धन्यवाद। 24 घंटा पूरी सहरवासी पानी पाइबे जगन्नाथ क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र तेणु यह निश्चित भाव समस्त लोक दूर को बहुत जाऊ जहाँ फल परिश्रम भी होता
पानी बोहिकिना अणिया पड़ा परिश्रम होता सेठे भी संघर समय जाऊला घरे भी घरे घरे पा समस्ते पीबारे सब विभिन्न प्रकार कार्य करे घर घर पा व्यवहार करें बहुत खुशी। प्रकल्पर लोकार्पण बेले 5G सचिव वीके पांडियान प्रारंभिक सूचना देते तेज 2024 सुधा राज्यर समस्त सहरांचल रे विशुद्ध पानी जल जोगाण नहीं नवीन सरकार लक्ष्य स्थिर करिछंती। पुरी रो संजय महापात्र रिपोर्ट जी मीडिया। सुजल योजन शुद्धतार भरोसा दि जाता बेले बास्तव में लोकंक शुद्ध पानी जल मिल कि नहीं साधारण लोकों मन में प्रश्न उठा स्वाभाविक। जलर गुणवत्ता को किपर ट्राक करा लोकों मन में विभिन्न प्रश्न उंकि मारुची। विश्वर विभिन्न राष्ट्र में पाइप पा को दूषित जल दर्शाई योजना को बंद कर राज्य सरकार योजन क्यों दिग उपर ध्यान देखते आधुनिक उपाय किपर पाइप जोगे शुद्ध पानी जल पहुंची पारिबो से नहीं लोकों अवगत करने राज्य सरकार व्यापक व्यवस्था हाथ को नहीं। सरकार योजना आरंभ पूर्व ग्राहकों समस्या समाधान पाई सेंट्रलाइट कस्टम केयर सिस्टम को व्यवस्थित करप्रु सीधासख पानी जल प्राप्ति को नहीं जनसाधारण विश्वास हासिल करने को राज्य सरकार जेको समय अनलाइन जलर गुणवत्ता संबंधी तथ्य जोगाई देवाई सर्वसाधारण स्थान में एलईडी बोर्ड स्थापन कर ट्याप जोगे शुद्ध पानी जल जोगाण सरकार बड़ चैलेंज निश्चय किंतु आधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग में ट्याप्रु शुद्ध जल जोगाण संभवपर और लोकों द्वारा आदृत हो दावी कर सरकार पूर्व अभिज्ञता को देखिले विश्वर विभिन्न राष्ट्र में ट्याप जल जोगाण निष्पत्ति को प्रत्याहार करनी कारण किछि वर्षर व्यवधान पर ट्याप्रे आसुवा पा स्वास्थ्यपी क्षतिकारक प्रमाणित होता कारण प्लास्टिक किंबा लुहा पाइप जोगे आसुवा पानी रे रासायनिक प्रतिक्रिया जो पानी विषाक्त हो आशंका रही। वर्तमान समय रे देशर विभिन्न सहर रे ट्याप जोगे पानी जोगाण व्यवस्था को देखिले एहा स्पष्ट होईछि जे एहा केवल साधारण व्यवहार पई प्रयोज्य होई पारे किंतु पानीय पई अनुपयुक्त। 2019 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिपोर्ट अनुसार राजधानी दिल्ली में ट्याप जोगे जल जोगाण व्यवस्था जारी रही भी पानी जल भाव व्यवहार हो पारुनी। द्वितीयतः राज्यर 18% बा 625,000 परिवार निकटरे एबे भी ट्याप पानी जोगाण संभवपर हो पारे नाही। सेहिपरि देशर वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में मध्य ट्याप जल जोगाण लोकों पानी जल आवश्यकता को पूरण करिपारि नाही। रिपोर्ट अनुसार अन्य मेट्रो सिटी तुलन में मुंबई में जल जोगाण सबुठारु भल रही 100 वर्षर अधिक समय धरी ट्याप जल जोगाण जारी रही किंतु विभिन्न स्थान में लीकेज रहिबा सह लोकों आवश्यकता पूरण में विफल हो रंग और गंध कहे पानी शुद्धता क्षार जल पानी उपयोगी नुहे यह ग्लास और नल इत्यादि उपर दाग छाड़ी थाए हलदिया पानी लौह मांगानीज तंबा सीसा किंबा क्रोमियम 6 रो उपस्थिति प्रमाण करे नील किंबा ब्लू रंगर पानी कलंकी लगा पाइप जोगु सृष्टि होइथिबा तंबार प्रमाण पच्चा अंडा भली गंधथिबा पानी रे हाइड्रोजन सल्फाइड थाए आपणको घरर पानी पच्चा माछ भली गंध हेउथिले सेथिरे बारियम बा कैडमियम रहिछि पानी रे धातु जनित स्वाद थिले एथिरे अति मात्रा रे लौह किंबा तंबा रहिथिबा जणा पडिछि। एबे सुजल जल प्रकल्प रे राज्य सरकार ट्याप जोगे पानी जल जोगाण प्रतिश्रुति देछन्ति पुरी रे योजना आरंभ होइछि आसंता 9 मास मध्यरे लोकों शुद्ध जल जोगाइबा को लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। तबे पूर्वरु देखा देउथुबा समस्या गुडी को आखि आगरे रखी सरकार आधुनिक ज्ञानर उपयोग करिछन्ति जहाफल ट्याप्रु मध्य शुद्ध पानी जोगाइबा को सरकार प्रतिश्रुति देछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। आमे पीउथबा पानी केते मात्रा रे शुद्ध बोधहुए प्रश्न पानी पीबा समय रे मन को आसे नाही किंतु अनेक रोग केवल दूषित पानी पीबा जोगे होइथाय बजार रे बिक्री होउथबा बॉटल वाटर ही एही रोग सृष्टि करिथाय। पैकेट वाटर
पानीय जल पाई अनुपयुक्त जानिबा परे मध्य अन्य विकल्प नथिबारु यात्री माने पानी पीबाकु बाध्य होइथांती। एपरिकि बजार रे बिक्री हेउथबा पानी किणिबा समय रे लोके पानी रो शुद्धता परीक्षा अपेक्षा बोतल रो शुद्धता परीक्षा करंती। नगद टंका देई आखि को भलो देखा जाउथबा पानी बोतल किणिथांती। अधिकांश समय रे भलो पानीय जल रो गुण मध्य प्लास्टिक बोतल रो गुण उपरे निर्भर करिथाय। एपरि स्थिति रे लोकंकु शुद्ध जल जोगाई देबा पई सरकार को ट्याप पानी मिशन नुआ भरोसा होईछि। आमे पिउथिबा पानी केते मात्रा रे शुद्ध बोधवे ए प्रश्न पानी पीबा समय रे आम मन को आसे नाही, किंतु अनेक रोग केवल दूषित पानी पीबा जोगु ही होइथाय। बजारे बिक्री होउथिबा पानी ए रोगर सृष्टि करथाय। साधारणतः पैकेट वाटर को लोके शुद्ध जल भावि नै थांती। एपरिकि देशरे जेकोनसी सहररे यात्री माने हातरे पानी बोतल धरिथिबा देखिबाक मिलथाय। बजारे बिक्री होउथिबा पैकेट पानी आखिक शुद्ध दिसुथिले मध्य एहा स्वास्थ्य पै उपयुक्त नुहे। पैकेट वाटर पानीय जल पै अनुपयुक्त जानिबा परे अन्य विकल्प नथिबारु मध्य यात्री माने पानी पिबाकु बाध्य होइथांती। समन्वय पर्याप्त तालीम अभाव एवं खराब भित्तिभूमि जोगु भारत में बिक्री होउथिबा पैकेट वाटर रो मान खराब रहुछि। सारा देश में बिक्री होउथिबा पैकेट पानीय जलर 10 यूनिट मध्यरु 3 अत्यधिक दूषित होइथिबा बेले एहा सुरक्षार मानदंड सहित मेल खाउ नाही। जदियो बोतल ले पानीय जल पे गुणात्मक मान ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा स्थिर होउछि, एपरिकि बजारे बिक्री होउथिबा पानी किणिबा समय रे लोके पानीर शुद्धता परीक्षा अपेक्षा बोतल शुद्धता परीक्षा करथांती। नगद टंका दे आखि को भलो देखा जाउथिबा पानी बोतल किणिथांती। अधिकांश समय रे भलो पानीय जलर गुण मध्य प्लास्टिक बोतल गुण उपरे निर्भर करथाय। 2018-2021 मध्यरे भारतरे बोतल वाटर मार्केटर द्रुत वृद्धि घटिछि। आकलन अनुसारे आसंता किछि वर्ष मध्यरे पानी व्यवसाय आहुरी आगकु जिबार संभावना रहिछि। एपरि परिस्थितिरे लोकंकु शुद्ध जल जोगाइ देबा पई सरकारंकर ट्याप पानी मिशन नुआ भरोसा होइछि। मिशन सफल हेले लोके विशुद्ध पानी पाइबा सहित अनेक जलवाहित रोग कबलरु रक्षा पाइ परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। सुजल योजना रे शुद्धतार भरोसा दिया जाउथबा बळे वास्तव रे लोकंकु शुद्ध पानीय जल मिलिबो कि नाही एले साधारण लोकंक मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। जलर गुणवत्ता को किपरि ट्राक कराजिबो एने लोकंक मनरे विभिन्न प्रश्न उंकी मारुछि। विश्वर विभिन्न राष्ट्रे पाइप पानी को दूषित जल दर्शाई योजना को बंद करा जाइथबा बळे राज्य सरकार योजना रे केऊ दिग को ध्यान दैछन्ते। आधुनिक उपाय रे किपरि पाइप जोगे शुद्ध पानीय जल पहुंची पारिबो से नै लोकंकु अवगत करबा पई राज्य सरकार व्यापक व्यवस्था हाथकु नैछन्ते। सरकार योजना आरंभ पूर्वरु ग्राहकंक समस्या समाधान पई सेंट्रलाइट कस्टम केयर सिस्टम को व्यवस्थित करिछन्ते। ट्याप्रु सीधासळख पानीय जल प्राप्ति को नै जनसाधारणक विश्वास हासिल करबाकु राज्य सरकार जेकोनोसी समय रे ऑनलाइन रे जलर गुणवत्ता संबंधी तथ्य जोगाई देबा पई सर्वसाधारण स्थान रे एलईडी बोर्ड स्थापन करुछन्ते। पुरी रे आरंभ होइछि सुजल जल मिशन न प्रथम पर्याय। योजना रे शुद्धतार भरोसा दिया जाउथुबा बेले वास्तव रे लोकंकु शुद्ध पानीय जल मिलिबो किंबा नाही एनी साधारण लोकंक मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। जलर गुणवत्ता को किपरि ट्राक करा जाय पारिबो राज्य सरकारंक सूचना अनुसारे पानीय जलर गुणवत्ता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा आईएस 10500 स्पेसिफिकेशन सह संयुक्त होइछि। जल जोगाण समय रे आधुनिक मेकानिजम रो प्रयोग हेबो जहाँफल जलर शुद्धता को मॉनिटर करा जाय पारिबो। एपरिकि एही मेकानिजम रे जलर पीएच लेवल मध्य जानि हेबो। राज्य सरकार सुजल योजना रो एक अंश भाव रे समस्त प्रमुख सहर गुड़िक रे नियमित जलर गुणवत्ता मॉनिटरिंग करा जिवो। एथिपाई पीपीपी मोड रे सरकार लैबोरेटरी स्थापन करबा सह तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता मॉनिटरिंग पई व्यवस्था करुछंती।
ଏହା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବେ। ଜିପିଏସ୍ ବା ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ସରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କଷ୍ଟମର କେୟାର ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଲ୍ଇଡି ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ସାଥୀ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରାଜ୍ୟର 114 ୟୁଏଲ୍ବି ବା ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜଳ ମିଶନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଜଳସାଥୀ କ୍ୟାଡର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାରରେ ଜଳ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5,000 ଜଳସାଥୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଗମ, ବିଲ୍ ବିତରଣ, ଚାର୍ଜ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଜଳସାଥୀ। ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଜଳସାଥୀ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବିତରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତି। 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଜଳ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୋଟ 7.24 କୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 38% ଲୋକ ଟ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି। ୟୁନିସେଫ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର 50%ରୁ କମ୍ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। 50%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଆର୍ସେନିକ୍ ଅଂଶ ଥିବା ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 15 ସହରରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁନିସେଫ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଭାରତରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ $600 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଜଳଜୀବନ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ବା FHTC ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଦୈନିକ 55 ଲିଟର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 3.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 55%ରୁ ଅଧିକ ବହନ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭରଣ କରିବେ। 2021 ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଶର 4,378 ସହରରେ ଟ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ସହରକୁ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଯୋଜନାରେ 2.6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ବିଶେଷ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।